हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू UPCISS टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम इस वीडियो में लेज़र ग्रुप एंड वाउचर के बारे में देखेंगे कि लेज़र ग्रुप एंड वाउचर क्या होते हैं। और अभी तक हम पिछले वीडियोस में इतना कंप्लीट कर चुके हैं कि एक क्वेश्चन से, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई थी कि एक क्वेश्चन से सबसे पहले हम अकाउंट कैसे निकालते हैं और अकाउंट निकालने के बाद उसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट का रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में हमने देखा था कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे पता करते हैं, अकाउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी, तो अगर किसी को अभी तक कोई दिक्कत है डेबिट और क्रेडिट निकालने में तो पहले आप जो है प्रैक्टिस करें, डेबिट क्रेडिट निकालना अच्छे से सीखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहां पर हमने ये भी देखा था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कितने प्रकार की होती है। हमने ये बताया था कि हम टैली में बिजनेस को तीन तरह से हैंडल करते हैं, एक तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम टैली के कुछ कम फीचर का इस्तेमाल करते हैं, फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टैली के कुछ ज्यादा फीचर इस्तेमाल होते हैं, हमें कुछ और ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है, और तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टैली प्राइम में मतलब बहुत सारे फीचर यूज में आ जाते हैं। और यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि हम सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की एंट्री होती है, किस तरह के वहां पर क्वेश्चन होते हैं एक रियल बिजनेस में, सबसे पहले उसको हम करना सीखेंगे। और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद GST, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो यहां पर जैसा कि अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा कि हमारे पास जो बिजनेस पे क्वेश्चन होते हैं यानी एंट्री होती है जिसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जो लेन देन होता रहता है उसकी एंट्री हमें टैली में करनी होती है। तो उसकी एंट्री टैली में करने के लिए सबसे पहले उस एंट्री से यानी कि उस क्वेश्चन से हम डेबिट या फिर क्रेडिट निकालते हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट निकालने के बाद में उसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका भी हम यूज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं लेजर ग्रुप एंड वाउचर। तो डेबिट एंड क्रेडिट तो हम निकालना सीख चुके हैं, अब यहां पर लेजर कैसे निकालेंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है, लेजर कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद ग्रुप कैसे निकालेंगे जिसको अंडर बोला जाता है, ग्रुप बोले या अंडर अभी हम समझाएंगे इसको डिटेल में, और तीसरे नंबर पर वाउचर, यानी कि एक क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट एंड लेजर एंड अंडर एंड वाउचर। जो अंडर आपका होता है, देखिए जो अंडर होता है इसी को हम ग्रुप बोलते हैं, तो हम ग्रुप कहें या फिर अंडर एक ही बात है। तो यहां पर हमें डेबिट क्रेडिट एंड लेजर ग्रुप एंड वाउचर, ये पांच चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन में, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचेंगे तो वहां पर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो हम तब पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन से हम पांच चीजें निकालते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, तीसरा लेजर ग्रुप एंड वाउचर। तो एक क्वेश्चन से ही हम ये पांचों चीजें निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो डेबिट क्रेडिट तो समझ आ गया, अब हम लेजर ग्रुप एंड वाउचर को समझते हैं। तो देखिए लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब सीधा है कि जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट में अकाउंट होता है, ठीक है, डेबिट में जो भी मान लेते हैं कंप्यूटर है, डेबिट में क्या है कंप्यूटर है, और क्रेडिट में क्या है कैश है, ठीक है, क्रेडिट में क्या है कैश है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर डेबिट में कंप्यूटर है और क्रेडिट में कैश है, कैसे है ये आपको पता है, यहां पर डेबिट में कंप्यूटर का मतलब कि बिजनेस में कंप्यूटर आया होगा और क्रेडिट में कैश का मतलब कि बिजनेस से कैश गया होगा, ठीक है। तो यहां से हमें एंट्री देख के पता चल जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ होगा, यानी कंप्यूटर आया एंड कैश गया है, ठीक है, ये एक एंट्री है। अब इसमें हमने डेबिट क्रेडिट तो निकाल लिया, अब इसमें लेजर कैसे निकालेंगे, तो लेजर का सीधा मतलब है, लेजर के लिए देखिए कोई रूल नहीं है, लेजर के लिए इसमें आपको कोई रूल ऐसा नहीं मिलने वाला जैसा कि डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल था कि डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा अकाउंट निकालना, लेजर के लिए कोई रूल नहीं है। लेजर के लिए बस एक ही सिंपल सा रूल है कि जो आपका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बनेगा। लेजर बनने का सीधा मतलब होता है खाता खोलना, यानी कि जब हम इस एंट्री को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वहां पर हमें डेबिट या क्रेडिट में सामने कंप्यूटर या कैश लिखना नहीं होता है, उसका हमें अकाउंट खोलना होता है यानी कि लेजर बनाना होता है, और फिर उसके बाद में उसको हम डेबिट या क्रेडिट में सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो तो हालांकि हम प्रैक्टिकल देखेंगे ही, लेकिन यहां थ्योरी में बात करें तो डेबिट में यहां पर आपका कंप्यूटर है तो लेजर आपका कंप्यूटर का बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, लेजर किसका बनेगा कंप्यूटर का बनेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है, जो आपका डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बनेगा। अब लेजर दोनों का बन सकता है, ठीक है, कंप्यूटर का भी बन सकता है और कैश का भी बन सकता है, यानी कि बनेगा तो कंप्यूटर एंड कैश दोनों का लेजर बनेगा। लेकिन रुकिए, यहां पर देखिए कुछ लेजर ऐसे होते हैं जो टैली प्राइम में, यानी कि हम देखिए जो यहां पर चीजें कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो एक्चुअली में हम ये सारी चीजें इसीलिए सीख रहे हैं ताकि इसको हम टैली प्राइम में काम कर सकें, यानी कि सॉफ्टवेयर पर काम कर सकें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पर जब हम वर्क करेंगे तो जो कैश अकाउंट होता है इसका लेजर टैली प्राइम में पहले से बना होता है, तो अगर लेजर पहले से बना है
तो हमें नहीं बनाना है। लेजर का बस यही एक रूल है कि जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में है उसका लेजर बनाना है। ध्यान से समझना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो अकाउंट हमारा डेबिट या क्रेडिट में है, मान लेते हैं यहाँ पर स्टेशनरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो गया, और क्रेडिट में मान लेते हैं स्टेशनरी हमने नगद खरीदा तो क्रेडिट में कैश कर दिया, ठीक है, या कैश कर दिया या बैंक कर दिया, तो ये कैश हो गया आपका क्रेडिट में। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर लेजर बनेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेज का, ठीक है। यहाँ पर कैश का भी बन सकता है, लेकिन कैश का लेजर पहले से बना है इसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पहले से बना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए लिखा है टैली में कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो लेजर पहले से बने होते हैं, तो पहले से बने तो हमें नहीं बनाना है, क्योंकि यही रूल है कि लेजर डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे आप अगर बैंक जाते हैं, तो जब आप बैंक में फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जाने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आपका खाता खोला जाता है, यानी कि आपका नेम और सारी डिटेल लेने के बाद आपका अकाउंट खोला जाता है और आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप बैंक जाएंगे, ठीक है, आप जब सेकेंड टाइम यानी नेक्स्ट टाइम बैंक जाएंगे, तब आप चाहे बैंक में पैसा जमा करने जाएं यानी डिपॉजिट करें, या बैंक से पैसा विड्रॉ करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आपका अकाउंट फिर से खोला जाएगा, नहीं, आपका अकाउंट तब नहीं खोला जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप गए थे तभी आपका अकाउंट खोला गया, उसके बाद सिर्फ ट्रांजैक्शन होंगे, यानी आपने बैंक में पैसा जमा किया तो उसकी एंट्री होगी और बैंक से पैसा निकाला तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है वही सेम चीज यहां पर भी है, लेजर सिर्फ एक बार बनता है। तो अगर आपने एक बिजनेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मान लेते आपने बिजनेस स्टार्ट किया और शुरुआत में स्टेशनरी एक्सपेंसेस कर ली यानी खरीद ली, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से दोबारा अगर आप स्टेशनरी खरीदते हैं तो एंट्री तो हम करेंगे यानी डेबिट और क्रेडिट में या एंट्री पास करेंगे, लेकिन लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर हम पहले ही बना चुके होंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का यहां पर लेजर बनेगा, कैश का नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का प्री डिफाइन यानी कि पहले से ही लेजर बना होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो लेजर के बारे में हमने देखिए बता दिया, ठीक है, लेजर के लिए कोई रूल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री टैली में करते हैं, ट्रांजेक्शन यानी कोई भी लेन देन होता है उसकी एंट्री जब हम टैली में करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो अकाउंट होते हैं यानी कि जो डेबिट या क्रेडिट में है वही तो अकाउंट होते हैं, जो डेबिट क्रेडिट है वही अकाउंट है, उनका हमें खाता खोलना होता है यानी कि लेजर बनाना होता है। और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। और टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो लेजर पहले से बने होते हैं। कैश इन हैंड को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। ये एक्चुअली ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे ग्रुप के बारे में, ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेजर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। लेजर यानी कि खाता खोलना, किसका खोलना, जो डेबिट या क्रेडिट में है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट में कौन है ये तो हमें पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से अकाउंट और डेबिट क्रेडिट निकाला हमें पता चल गया, तो डेबिट क्रेडिट में जो भी होगा उसका हम खाता खोल देंगे। जैसे यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, तो हमने एक फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन खरीदा तो फ़ोन क्या हो गया, डेबिट, और हमने फ़ोन जो है वो मोहन से उधार खरीदा, ध्यान रखना हमने क्या किया, वो फ़ोन मोहन से उधार खरीदा है, तो यहाँ पर डेबिट में फ़ोन हो जाएगा, क्रेडिट में मोहन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला फोन है तो डेबिट हो गया और मोहन देने वाले हैं उधार, तो इसलिए मोहन क्रेडिट हो गए, ठीक है। यहां पर कैश वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो डेबिट फोन एंड क्रेडिट मोहन हो गए, क्लियर है। अब यहां पर लेजर किसका बनेगा, तो देखिए यहां पर लेजर दोनों के बनेंगे, फोन का भी बनेगा और मोहन का भी बनेगा, फोन कॉमा मोहन, ठीक है, फोन कॉमा मोहन दोनों का लेजर बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अकाउंट पहली बार आ रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि पहली बार आ रहे हैं, तो आप जब बिजनेस में एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको पता रहेगा ना कि कौन से चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, कौन सी सेकंड टाइम है। अगर नहीं भी पता रहेगा तो टैली प्राइम में तो ऑलरेडी लिस्ट आपके सामने आ जाती है कि ये लेजर पहले से बने हैं, आप डुप्लीकेट लेजर वहां बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि पता कैसे चलेगा कि लेजर बना कि नहीं बना, क्योंकि अगर लेजर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो टैली प्राइम खुद ही जो है एरर दे देगा कि ये डुप्लीकेट लेजर बनने जा रहा है या बन रहा है, ठीक है। फिलहाल उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां पर अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि लेजर क्या है। लेजर यानी कि किसी भी अकाउंट का खाता खोलना, और जिसका नहीं खोला है उसका सिंपली हम खोल देंगे, ठीक है, जो डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बना देंगे। अच्छा चलिए, एक चीज यहां पर ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, यहां पर हमने मोहन से क्या किया है, 5000 रुपए का फोन उधार खरीदा, मान लेते हैं 5000 का। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मोहन को पेमेंट करेंगे, तो जब मोहन को पेमेंट करेंगे तो आपको पता है कि डेबिट में मोहन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तब मोहन पाने वाले होंगे। तो डेबिट में हमने मोहन कर दिया और हमने नगद पे किया, तो क्रेडिट में हमने कैश कर दिया, क्रेडिट में 5000 रुपए कैश कर दिया, ठीक है। तो क्या अब यहां पर लेजर बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का लेजर प्री डिफाइंड टैली में पहले से बना होता है, हमने बताया, और जो मोहन है इनका लेजर हमने जब इनसे
उधार खरीदा था तभी बना लिया था, तो तब बना लिया था तो अब मोहन का लेजर भी यहाँ पर नहीं बनेगा, यानी कि इस एंट्री में हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही रखना है, लेजर यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो लेजर आई थिंक क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रुप है ये रूल होते हैं, लेजर के लिए हमने रूल बता दिया, लेकिन ग्रुप के लिए जो रूल है ये प्री डिफाइंड रूल है, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टैली में जब किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं, ध्यान रखना ये भी लेजर से रिलेटेड है, यानी कि टैली में जब हम किसी का अकाउंट यानी कि लेजर बनाते हैं, खाता खोलते हैं, तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है जो कि हम उसके अंडर में सेट करते हैं, यानी कि जो अंडर है और जो ग्रुप है एक ही बात है। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप के बारे में देखते हैं, फिर इसको अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ एंट्री। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि डेबिट में मान लेते हैं फ़ोन कर दिया, डेबिट में क्या कर दिया, फ़ोन कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट में हमने कैश कर दिया, डेबिट फ़ोन क्रेडिट कैश। आपको पता है कि लेज़र किसका बनेगा, पता चल गया होगा, लेज़र यहाँ पर बनेगा फ़ोन का, लेज़र किसका बनेगा, फ़ोन का बनेगा। और ये अंडर किसके जाएगा, अंडर का मतलब सीधी सी बात है कि कौन से ग्रुप में जाएगा। अब ये अंडर क्या है पहले हम लिख देते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, अब हमने डेबिट और क्रेडिट में तो फ़ोन और कैश रख दिया, तो कंप्यूटर समझ गया, ठीक है, ध्यान क्या समझ गया कि जो डेबिट में है वो बिजनेस में आ रहा होगा और जो क्रेडिट में है वो बिजनेस से जा रहा होगा, ये कंप्यूटर समझ गया। ठीक है, लेजर बना दिया, यानी कि लेजर फर्स्ट टाइम आएगा तो खाता खोलना है, आपको पता है, लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे यानी जब खाता खोलेंगे तो हमें टैली को ये भी बताना है कि जो ये फ़ोन है ये है क्या एक्चुअली। अब हमें तो पता है कि हाँ फ़ोन है तो मतलब फ़ोन ही है, हमारी संपत्ति है जो भी है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता चलेगा कि ये फ़ोन है या कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, सिर्फ लिख देने से कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, उसके लिए हमें अंडर में बताना पड़ेगा कि ये फ़ोन जो है वो क्या है, क्या अगर ये कोई खर्चा है तो हम इसको ऐसे ग्रुप में रखेंगे जो एक्सपेंसेस से संबंधित हो। ठीक है, अभी हम ग्रुप के बारे में आगे पढ़ेंगे। टोटल टैली में जो है वो 28 प्री डिफाइन ग्रुप होते हैं, अभी 28 सारे ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फिलहाल अभी यहां पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, तो जो फोन है ये यहां पर इसका अंडर क्या होगा, यानी कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा ये हमें बताना पड़ता है। तो अगर फोन हमारी संपत्ति है तो असेट्स से रिलेटेड ग्रुप में जाएगा, अगर फोन हमारी इनकम है तो इनकम से रिलेटेड ग्रुप में जाएगा, अगर फोन हमारी मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी यानी कि अगर कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, जो हमें उधार दे रहा है ऐसा कुछ है तो उससे रिलेटेड ग्रुप में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो अंडर होते हैं पहले तो लेजर को समझना होता है कि लेजर किस तरह का है और उसी तरह का अंडर हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर ग्रुप को समझने के लिए देखिए यहां पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और ग्रुप के बारे में जो है आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर ये आपके प्री डिफाइन ग्रुप होते हैं टैली में, जिसमें से कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं और यहां पर कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो है ये टोटल 15 होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप जो है ये टोटल 13 होते हैं। अब ये ग्रुप क्या होते हैं इसको जो है थोड़ा सा हम एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ग्रुप की बात करें तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो टैली समझता है, क्या समझता है, टैली समझता है कि जिसे कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा वो हमारा पूंजी खाता होगा। ठीक है, और इसी तरह से लोन्स लायबिलिटीज़, अभी यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हम बेस बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है समझ में आए। तो लोन्स लायबिलिटीज़ का मतलब ये ऐसा ग्रुप है कि जितने भी हम बिजनेस में लोन लेते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम लोन लेते हैं बिजनेस में तो उस टाइप के ग्रुप को हम लोन्स लायबिलिटी में रखते हैं। और इसी तरह से करंट लायबिलिटी, देखिए बिजनेस में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है असेट्स और दूसरा होता है आपका लायबिलिटीज़। ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती हैं और यही मेन दो चीज़ें होती हैं। असेट्स मतलब जो हमारी संपत्ति होती है वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, मोबाइल फोन के रूप में हो, कैश के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, या हमने किसी को उधार दिया हो। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, जब हमने किसी को उधार दिया हो या हमने किसी को एडवांस दिया हो तो ये सब हमारी असेट्स यानी कि संपत्तियाँ कहलाती हैं। और इसी तरह से अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी यानी कि दायित्व, दायित्व यानी कि जो हमें दूसरे के प्रति चुकाने होते हैं। जैसे अगर हमने किसी से उधार ले लिया, ठीक है, या फिर हमने लोन ले लिया, ठीक है, या फिर हमको किसी ने एडवांस दे दिया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये मेन दो चीज़ें होती हैं, एक तो असेट्स हो गया और दूसरा लायबिलिटीज़ हो गया। अब जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट को हमें टैक्स GST पे करना है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो वो हमारी एक लायबिलिटी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, यानी कि एक दायित्व होती है बिजनेस का। तो एक बिजनेस में मुख्य रूप से दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारी असेट्स होती है या तो वो लायबिलिटीज़ होती है। ठीक है, हमारी का मतलब क्या, बिजनेस की, ठीक है, या
या तो बिजनेस की असेट्स होंगी। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि एक बिजनेस में कंप्यूटर लगा है और एसी, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसका बिजनेस का जो ऑनर है, मान लेते हैं मोहन है, बिजनेस का ऑनर कौन है? मोहन है। तो ये जो मोहन है, ये मोहन की असेट्स या लाइबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, मोहन की असेट्स लाइबिलिटी नहीं है। मोहन बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, लेकिन ये असेट्स या लाइबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। असेट्स या लाइबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है, ध्यान रखना। मोहन में और बिजनेस में डिफरेंस है, मतलब जो मोहन है बिजनेस का ऑनर और जो बिजनेस है, इन दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। यहां पर मोहन जब एक बार बिजनेस स्टार्ट कर देता है, उसमें जितना भी पैसा लगाना है लगा देता है, फिर उसके बाद मोहन से और बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। हालांकि मोहन जो है वो बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, लेकिन जो असेट्स या लाइबिलिटीज हैं या बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनकम हो रही है, एक्सपेंसेज यानी खर्चे हो रहे हैं, ये सारा कुछ कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि मुख्य रूप से बिजनेस में दो ही चीजें होती हैं, या असेट्स या फिर लाइबिलिटीज। इसके अलावा तीसरा होता है एक नॉमिनल। नॉमिनल में जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेज आते हैं, ठीक है, तो नॉमिनल में हमारा क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेज। बिजनेस में जितने भी खर्चे या फिर जितने भी मतलब आय होती है, इनकम होती है, वो सारा नॉमिनल के अंतर्गत आता है। और जो नॉमिनल में आता है, वो उसमें क्या होता है कि इनकम से एक्सपेंसेज माइनस कर दिया जाता है, और जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बचता है, या फिर अगर एक्सपेंसेज ज्यादा है तो लॉस बचता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम वापस ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसकी जो है पूंजी बढ़ा लेते हैं, या फिर अगर लॉस होता है तो उसको फिर हम पूंजी से घटा देते हैं, जो भी है। तो कुल मिला के नॉमिनल जो है ये सिर्फ टेम्परेरी बेस पे आता है, जैसा कि इसका नाम ही है नॉमिनल, नाम मात्र का खाता, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर मेन असेट्स लायबिलिटी होता है। तो इसमें जितने भी ग्रुप हैं, यानी कि जो 28 ग्रुप हमने बताए, 15 होते हैं आपके इसमें से प्राइमरी और बाकी होते हैं सेकेंडरी, यानी 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो ये ग्रुप का मतलब सीधा है, इसमें से जितने भी ग्रुप हैं तीन ही कैटेगरी के हैं। इसमें से ऐसे ग्रुप होंगे या तो वो असेट्स से रिलेटेड होंगे, या लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे, या फिर वो आपके नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते होंगे जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो तीन ही तरह के इसमें पूरे आपको अकाउंट मिलेंगे, तो वो हम आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अब ये ग्रुप की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब कंप्यूटर या फिर टैली सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, तब वहाँ पर एंट्री किस तरह से हुआ करती थी, इसको समझते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि रजिस्टर हुआ करते थे, यानी कि सारी एंट्रियाँ कहाँ पर की जाती थी? रजिस्टर में की जाती थी, ठीक है, इस तरह से। तो जो एंट्रियाँ रजिस्टर में हम करते थे, तो उसके लिए भी कुछ रूल होते थे, मतलब सबके रूल हालांकि अलग अलग होते थे, क्योंकि अब टैली प्राइम है, तो सभी लोग अगर टैली प्राइम यूज करेंगे तो हमें टैली प्राइम के रूल पढ़ने होंगे, और अगर आप इसको मैन्युअली रजिस्टर पर काम करेंगे, यानी कि सारी एंट्री रजिस्टर पर लिखेंगे, हिसाब किताब पूरा रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सबके अलग अलग रूल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा रूल जो है चेंज हो सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है, ध्यान से समझना, हमारा एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में हमने क्या कर रखा है, मान लेते हैं 10 रजिस्टर बना रखे हैं, मान लेते हैं कि 10 रजिस्टर हमने बना रखे हैं, एक रजिस्टर बना रखा है, और इस रजिस्टर में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं, वही एंट्री करते हैं जब हम माल को खरीदते हैं, ध्यान से समझना। एक रजिस्टर हमने क्या बनाया, जब हम माल को खरीदते हैं तो उसको परचेज में, यानी कि हमने इस रजिस्टर का नाम रख दिया परचेज, ठीक है, और एक रजिस्टर हमने किया बनाया सेल का, यानी कि जब हम सेल करते हैं माल को, गुड्स को, तो हम सेल वाली जो एंट्री है वो इस वाले दूसरे वाले रजिस्टर में करते हैं, और एक तीसरा रजिस्टर बनाया बिजनेस में जितने भी हम खर्चे करते हैं, यानी एक्सपेंसेस खर्चे करते हैं, वो तीसरे रजिस्टर में रखते हैं। बिजनेस में जितनी इनकम होती है उसको हम चौथे रजिस्टर यानी इनकम में रखते हैं, और इसी तरह से बिजनेस में जो भी मतलब हम भुगतान करते हैं यानी कि पेमेंट करते हैं, वो सारा एक रजिस्टर में रखते हैं, और इसी तरह से जितना पैसा हमें रिसीव होता है वो हम अलग रजिस्टर में रखते हैं। तो कहने का मतलब है, और अगर मान लेते हैं लोन लेते हैं, तो लोन वाला मतलब जो भी लोन लेते हैं उसको एक हम अलग रजिस्टर में रखते हैं। तो इस तरह से हमने मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 रजिस्टर हमने बना रखे हैं अपने बिजनेस में। तो जिस तरह की एंट्री होती है उस एंट्री को हम उसी रजिस्टर में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमने मोहन को 5000 का माल बेच दिया, ठीक है, यानी हमने 5000 का माल बेचा, तो हम उसको सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, यानी कि सेल्स वाले रजिस्टर में लिखेंगे उसकी एंट्री 5000 की, कर देंगे किसकी, मोहन की या किसी की भी। तो ये पता रहता है कि हाँ यहां पर ये कैटेगरी बन गई, ठीक है, यानी कि ये सेल की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री है, और कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें देखना है कि इस महीने यानी एक महीने के अंदर हमने कितना परचेज किया, तो हम बस परचेज वाला रजिस्टर उठाएंगे और देख लेंगे कि हाँ ठीक है हमने इस महीने इतना परचेज किया, हमें सेल या फिर अदर दूसरे रजिस्टर से मतलब नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर सेल्स की बात करें, तो अगर हमें पता करना है कि हमने इस महीने कितना सेल किया, तो हम सिर्फ सेल का रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। अब इसी
चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत ही छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर मान लेते हैं उन्होंने सिर्फ एक या दो ही रजिस्टर बना रखे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक ही रजिस्टर बना रखा है और उस एक रजिस्टर में ही वो सारी एंट्रियाँ करते हैं, मतलब माल खरीदा गया तब भी उसी में लिख दिया, माल बेचा गया तब भी उसी में लिख दिया, किसी को उधार दे दिया तब भी उसी रजिस्टर में एंट्री कर दी, या किसी से उधार लिया वो एंट्री भी उसी में कर दी, इनकम की हुई लिख दिया, एक्सपेंसेस हुए लिख दिया, फिर से खरीदा फिर से बेचा, मतलब इस तरह से वो एक ही रजिस्टर में सारी एंट्रियां करते जा रहे हैं। तो अब इनके पास दिक्कत क्या होगी, दिक्कत यह होगी कि अगर एक महीने बाद ये जानना चाहें कि हमने इस महीने कितना माल परचेज किया, तो उसके लिए सबसे पहले इनको अपने पूरे रजिस्टर में जितनी एंट्री परचेज वाली होंगी उन सभी को छांटना पड़ेगा और उसे अलग नोट करके फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये परचेज का पता कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं फिर से किसी ने कहा चलो सेल्स बताओ, तो फिर से पूरी एंट्रियों को इनको छानना पड़ेगा और एक एक करके सेल्स की एंट्रियां अलग निकाल के उन्हें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम थी। तो आपको समझ में आया कि अगर हम यहां पर ज्यादा रजिस्टर कर देते हैं, यानी कि 2-3-4 इस तरह से कई सारे रजिस्टर बना के काम करते हैं, तो वहां पर हमारा जो वर्क है वो आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, किसी भी चीज को ढूंढना या किसी भी चीज को ट्रैक करना आसान हो जाता है। अब इसी में हम थोड़ा और अंदर घुसते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जब हम माल को परचेज करते हैं तो एक रजिस्टर में लिखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम माल जो है वो बहुत ज्यादा परचेज करते हैं और अलग अलग स्टेट से परचेज करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम जो है दो या तीन रजिस्टर, मतलब कई सारे रजिस्टर हम बना लें, ये तीनों ही परचेज के रजिस्टर हैं, तीनों में हम परचेज की एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें जब हम माल MP से खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से, और इसमें जब हम माल बिहार से खरीदते हैं, और इसमें जब हम माल UP से खरीदते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों अलग अलग रजिस्टर हमने स्टेट वाइज बना दिए। तो यहां पर हैं तीनों ही परचेज वाले रजिस्टर, लेकिन हमने क्या किया कि मध्य प्रदेश से माल खरीदा तो इस रजिस्टर में लिखा, बिहार से तो इसमें, यूपी से तो इसमें। तो अब यहां पर थोड़ा सा और चीजें जो है वो कैटेगराइज हो गई, यानी कि अब एग्जैक्टली अगर हमें देखना है कि मध्य प्रदेश से हमने कितना माल खरीदा, तो सीधे MP वाले रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जितना हम जो है चीजों को कैटेगराइज तरीके से एक ऑर्डर में काम कर पाएंगे, उसी तरीके से हमारा जो उसका सॉर्टिंग मेथड है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पर ग्रुप में भी अप्लाई होती है, ठीक है। ग्रुप में जब अप्लाई होती है तो इसमें देखिए क्या है, हमने जैसा कि बताया मेन तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका असेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटीज और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जो हमारा डेबिट या क्रेडिट में अकाउंट आता है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो डेबिट या क्रेडिट में हमारा अकाउंट आता है, तो जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते टाइम हमें ग्रुप बताना होता है कि ये जो लेजर यानी जो खाता खोल रहे हो वो किससे रिलेटेड है, वो परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या किसी को उधार दे रहे हो, या किसी से उधार ले रहे हो, संपत्ति है, लायबिलिटी है, क्या है, वो हमें ग्रुप के जरिए जो है वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो भी हमारा लेजर होगा वो किस ग्रुप में यानी वो किसके अंडर जाएगा, उसके लिए हमें ये 28 ग्रुप जो है इन्हें पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि अगर हम 28 ग्रुप ये पढ़ लें तो हम अंडर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पर ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम अंडर जो है 28 ग्रुप पढ़ने के बाद निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। हालांकि ग्रुप के बारे में तो आगे हम डिटेल में बताएंगे, तो चलिए एक बार वापस चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने ग्रुप बता दिया, बाकी इनकी डेफिनेशन यहाँ से आगे जो है स्टार्ट है। देखिए एक एक करके सारे सभी ग्रुप को हमने डिफाइन किया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं फिर उसके बाद नीचे हम आएंगे। तो लेजर, ग्रुप एंड वाउचर, तो यहां पर वाउचर को थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर देते हैं। सबसे पहले हम लेजर एंड ग्रुप इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा अगला नंबर वाउचर पर होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ एंट्री लेते हैं, ठीक है। ऊपर यहां पर जो एक्सरसाइज थी इसी को एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर निकाला एक कंप्यूटर का और दूसरा कैश का, ठीक है। यहां पर डेबिट में कंप्यूटर हो जाएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। डेबिट में क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश हो जाएगा। अब आपको पता है कि कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो इसका लेजर नहीं बनाना हमें, ठीक है। तो यहां पर हमें लेजर किसका बनाना है, कंप्यूटर का, क्योंकि ये पहली बार आया है। पता कैसे चला, तो अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं कि पहली बार आया, ठीक है। और बाकी तो हमने बता ही दिया है कि बिजनेस में जब हम खुद ही काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमें पता रहता है, और फिर भी टैली जो है वो तो बता ही देता है कि ये डुप्लीकेट लेजर बनना है। तो फिलहाल यहां पर लेजर हमने कंप्यूटर का बनाया। अब ये अंडर किसके जाएगा, अंडर यानी कि यहां पर हमें ग्रुप देना है कि ये कंप्यूटर जो है ये किसके अंडर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो जानना है कि कंप्यूटर क्या है। तो हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, संपत्ति है, यानी कि असेट्स है एक प्रकार की। क्या ये जो कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं, क्या इसको हम खर्चा कह सकते हैं, नहीं। क्या हमारी इनकम हो रही है, नहीं। क्या हम किसी से उधार ले रहे हैं, नहीं। उधार दे रहे हैं, नहीं। ये अकाउंट जो है वो असेट्स यानी कि संपत्ति से ही संबंधित है। तो मतलब ऐसे लेजर के लिए कौन सा अंडर लगेगा, उसके लिए यहाँ पर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हमें ग्रुप पढ़ना होगा। जैसा कि हमने बताया कि अंडर पता करने के लिए हमें ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें एक ऐसा ग्रुप है, देखिए फिक्स्ड असेट्स, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसमें एक देखिए फिक्स्ड असेट्स नाम का ग्रुप है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर यह है फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स में बताया गया कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियाँ खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, और इन संपत्तियों को आसानी से जो है लेन देन भी इनका नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे आसानी से लेन देन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, अब जैसे कैश है, तो कैश क्या है, हमारी संपत्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है, और कैश का लेन देन आसानी से हम कर सकते हैं, तो इसलिए संपत्ति तो है ये, लेकिन दूसरे तरह की संपत्ति हो गई, अलग टाइप की हो गई। और हमने जो बिजनेस में कंप्यूटर या एसी लगा रखी है वो भी हमारी संपत्ति है, लेकिन उसका लेन देन आसानी से हम नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वो अलग टाइप की संपत्ति होगी। हम दोनों को चाहें तो एक रजिस्टर में रख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, एक रजिस्टर में रखोगे तो फिर वही दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कभी ये जानना हुआ कि जो हमारी कुछ चल संपत्तियां हैं या अचल संपत्तियां हैं, चल यानी कि फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट, ठीक है, तो यहां पर फिक्स्ड असेट, यहां पर ग्रुप बता रहे कि जब भी हम कोई बिजनेस में ऐसी संपत्ति खरीदते हैं तो वो हम फिक्स्ड असेट में रखते हैं, यहां पर देखिए बताया गया है, तो इस प्रकार के अकाउंट को हम फिक्स्ड असेट में रखते हैं। तो यहां पर हम सिंपली इसका अंडर डिफाइन कर देंगे, क्या, फिक्स्ड असेट। तो यहां पर अभी आपको समझ आ गया होगा, यानी कि हम बिजनेस में जो भी खरीदे, कंप्यूटर, एसी, टेलीफोन, तो आपको पता है कि डेबिट होगा और क्रेडिट में कैश होगा। अगर नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, तो क्रेडिट में मोहन या राम जो जिससे भी खरीदा है वो हो जाएगा। और लेजर किसका बनेगा, कंप्यूटर का अंडर किसके जाएगा, फिक्स्ड असेट्स के, ठीक है, मतलब यहां पे लेजर किसका बना, कंप्यूटर का अंडर किसके गया, फिक्स्ड असेट्स के, क्लियर है। चलिए तो यहां पर अगला देखते हैं, और बाकी इसके ऊपर हम एक बेस्ड एक्सरसाइज पूरी देखेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर में यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिस्टर वर्मा परचेज ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर, और यहाँ पर कैश से भुगतान कर दिया। तो आपको पता है कि डेबिट इसमें क्या होगा, डेबिट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये ऑफिस टेबल जो है ये आपका हो जाएगा डेबिट, और ऑफिस चेयर ये भी आपका हो जाएगा डेबिट, और जो कैश है ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब लेजर किसका बनेगा, तो देखिए कैश का तो बनेगा नहीं, पहले से बना होता है, तो लेजर यहाँ पर 2 बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि जो हमने बताया डेबिट या क्रेडिट में होता है उसी का लेजर बनता है। तो यहाँ पर लेजर बन गया 1 तो ऑफिस टेबल का, और दूसरा बन गया कॉमा ऑफिस चेयर का, किसका बन गया, ऑफिस चेयर का। तो दोनों लेजर यहाँ पर बनेंगे, और जब 2 लेजर बनेंगे तो यहाँ पर अंडर भी 2 होंगे, ठीक है, 2 होंगे, इसका मतलब क्या कि दोनों का अंडर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो ऑफिस टेबल है ये क्या है, हमारी संपत्ति है, अभी हमने बताया था फिक्स्ड असेट, यानी कि इस तरह की चीजें फिक्स्ड असेट होती हैं, तो ये फिक्स्ड असेट में जाएगा, और ऑफिस चेयर ये भी फिक्स्ड असेट है, तो दोनों ही फिक्स्ड असेट में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता था कि एक ऑफिस टेबल था, मान लेते हैं इसी के साथ हमने स्टेशनरी खरीद ली थी, तो इसी क्वेश्चन में तो स्टेशनरी खरीदी होती, तो ये फिक्स्ड असेट में नहीं जाता, क्योंकि स्टेशनरी एक प्रकार का खर्चा है, और जो खर्चा होता है उसके लिए अलग से दूसरा ग्रुप है, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल तो यहां पर ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर ये किस में जाएंगे, फिक्स्ड असेट्स में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वर्मा ओपेंड अ बैंक अकाउंट HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश ₹50,000। तो यहां पर आपको पता है डेबिट में कौन होगा, HDFC बैंक, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, कैश। अब कैश का लेजर तो पहले से बना है, तो लेजर किसका बनेगा, लेजर यहां पर बनेगा HDFC बैंक का, ठीक है, HDFC बैंक का। अब HDFC बैंक क्या है, तो ये तो एक बैंक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि जो बैंक होती है उनके लिए ऐसा कोई ग्रुप है। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए सभी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक लास्ट में ग्रुप मिलेगा, देखिए 28 नंबर पर, ये देखिए यहाँ पर ये है बैंक अकाउंट, ठीक है। सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं, यानी कि जो भी बैंक होती हैं, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, या ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, उसका जो अंडर होगा वो हमेशा बैंक अकाउंट ही होगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो लेजर यहाँ पर हम बनाते हैं, चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे SBI का, वो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अभी हम इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में। तो यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000, ठीक है। यहाँ पर तो डेबिट क्या हो जाएगा, आपको पता है डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, और यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश, ठीक है। तो लेजर किसका बनेगा, पता चल गया होगा, लेजर बनेगा स्टेशनरी का, ठीक है, स्टेशनरी का लेजर बनेगा, और अंडर ये किसके जाएगा, तो ये अंडर आपका जाएगा, अब देखिए स्टेशनरी एक प्रकार का खर्चा है, तो जो खर्चे होते हैं उसके लिए कौन सा अंडर है, उसके लिए यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रुप। तो यहाँ पर हम नीचे बढ़ते हैं और हमें देखते हैं यहाँ पर कौन सा ग्रुप है इसके लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर हम सीधे उसी ग्रुप पे जा रहे हैं, लेकिन जब हम एक एक करके सारे आपको पढ़ा देंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का एक ग्रुप है 15 नंबर पे। तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया कि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते
देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आय नहीं होगा, यहाँ पर व्यय होगा, व्यय, ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। आप जो है एक बार फिर से जो है नोट्स जो है अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, ठीक है, आय यहाँ पर हमने शायद ऊपर से कॉपी किया होगा इस वजह से, तो यहाँ पर क्या होगा आपका व्यय यानी कि खर्चे, व्यय यानी कि खर्चे। तो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम तब यूज करते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप ऊपर देख रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम ये सारे ग्रुप के डेफिनेशन एक एक करके पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम बिल्कुल बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि अंडर क्या होता है, ताकि जब आपको हम ये ग्रुप पढ़ाएं तो रटना ना पड़े, आपको समझ आए कि इनका प्रैक्टिकल यूज एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो यहां पर अभी आप इतना समझ लें कि जो स्टेशनरी है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कैसे है तो वो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कल डिफाइन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पर इसका अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत जाएगा ये, ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा परचेज अ मोबाइल फोन फ्रॉम राज टेलीकॉम, यानी कि यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा आपका, मोबाइल फोन, क्योंकि ये फिक्स्ड असेस्ट है यानी कि स्थायी संपत्ति है। आपको पता है कि मोबाइल फोन का लेजर बनेगा तो किस में जाएगा, फिक्स्ड असेस्ट में, स्थायी संपत्ति है, क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पर ये राज टेलीकॉम जो है ये क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम उधार खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पर राज टेलीकॉम जो है ये क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पर राज टेलीकॉम का भी लेजर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर राज टेलीकॉम का लेजर बनेगा, अब ये किसके अंडर जाएंगे ये हमें देखना है। तो राज टेलीकॉम अंडर किसके जाएंगे एक बार ग्रुप पर हमें फिर से चलना पड़ेगा और देखते हैं कि जब हम किसी से उधार लेते हैं, यहाँ पर राज टेलीकॉम से हमने उधार लिया है ना, यही बात तो है, यानी कि हमने राज टेलीकॉम से उधार लिया है, तो जब हम किसी से उधार लेते हैं उसके लिए हमें कौन से ग्रुप में उसको रखना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं और हमें एक मिलेगा, देखिए आगे और नीचे स्क्रॉल करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, यानी कि जब हम किसी से कम समय के लिए किसी से किसी प्रकार का उधार लेते हैं, अब देखिए उधार लेना एक तरीके से लोन लेने के बराबर है, यानी कि हम लोन लें या उधार लें लगभग एक चीज़ है, लेकिन जो उधार लेते हैं वो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा कम समय के लिए लेते हैं कि ठीक है आपको 15 से 20 दिन में, एक महीने में वापस कर देंगे, और लोन लेने का मतलब है कि उसको हम इंस्टॉलमेंट में या लंबे समय के बाद जो है आपको वापस करेंगे, तो वो लोन कहलाता है। हालांकि दोनों ही लायबिलिटी हैं, ठीक है, लायबिलिटी यानी कि दोनों ही दायित्व हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उस अकाउंट को सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत ओपन किया जाता है, यानी कि हम उसको कहाँ रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने जो राज हमारे राज टेलीकॉम थे उनसे हमने क्या किया था, उधार लिया था, तो राज टेलीकॉम किसके अंडर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इनका अकाउंट खोला जाएगा। तो यहाँ पर आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली जो है लेजर एंड ग्रुप जो है ये क्या होते हैं। अभी आपको क्वेश्चन से हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप जो है कैसे पता करेंगे ये ना पता हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे जो है अभी लगभग 2 से 3 वीडियो इसी पर बेस्ड होंगे जिसमें हम आपको लेजर और ग्रुप ही समझाएंगे और लास्ट में आपको 1-2 वीडियो के बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। और आगे जो आने वाली प्रैक्टिकल एंट्री है जो हम कैश स्टडी देखने वाले हैं, पूरी पूरी एक्सरसाइज जिसमें हम 12 मंथ की एंट्री सॉल्व करेंगे, तो वहां पर तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो ही जानी है, क्योंकि पता नहीं कितनी बार ये सब चीजें रिपीट होंगी, ठीक है, यही मेन चीज है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना अच्छी तरीके से आप लेजर ग्रुप एंड वाउचर को समझ पाएंगे। हालांकि वाउचर तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, जब लेजर ग्रुप हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर लेजर ग्रुप की हमने डेफिनेशन देख ली है और एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देखिए बताया गया है कि जैसे राहुल ने 2000 ऑफिस का रेंट दिया, तो यहां पर किराया एक प्रकार का खर्च है, तो डेबिट तो रेंट हो जाएगा, आपको पता है कि क्योंकि खर्चा जो है वो हमेशा डेबिट होता है, तो रेंट डेबिट हो गया और क्रेडिट कैश हो गया, क्योंकि यहां पर हम कैश जो है हमारे बिजनेस से जा रहा है, भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लेजर किसका बनेगा, रेंट का, अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो रेंट है ये खर्चा है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, क्यों है तो वो तो हमने आपको बताया ही है कि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि राहुल ने 2000 ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया, यानी कि अगले महीने का रेंट दिया, तो यहाँ पर अब रेंट का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि पिछले महीने बन चुका है, यानी कि हमने क्या किया, रेंट का लेजर जब हमने पिछले महीने किराया दिया था तो रेंट का लेजर बनाया था कि नहीं बनाया था, बिल्कुल बनाया था, तो अब यहाँ पर रेंट का लेजर दोबारा नहीं बनेगा जब हम अगले महीने पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ डेबिट में रेंट और क्रेडिट में कैश बस हो गई एंट्री, लेजर नहीं होगा तो अंडर भी नहीं होगा, क्योंकि अंडर तभी होगा जब हम लेजर बनाएंगे, लेजर नहीं तो अंडर भी नहीं, क्लियर है। तो लेजर अंडर थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा,
और बाकी आगे जब हम ये प्री डिफाइन ग्रुप को हम जब एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे कि प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, दोनों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये सारी चीज़ें जो हम अगली वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको देखने हो टैली में कि प्री डिफाइन ग्रुप कैसे आपको देखने हैं, टैली में प्री डिफाइन ग्रुप कहाँ होते हैं, तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाके मतलब टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके ग्रुप में जा सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टैली में यहाँ पर देख सकते हैं 28 ग्रुप जो हैं ये प्री डिफाइन होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं प्राइमरी और 13 होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है, पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही है या फास्ट लग रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सजेशन अपना दे सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.